पालमपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने आते ही लोगों की समस्याएं सुनी व उनके साथ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 118 को सरल बनाने की प्रक्रिया के लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों के बाद ही अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जयराम ठाकुर पालमपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई प्रोजेक्ट जमीनी प्रक्रिया के चलते लटके हुए हैं। इस कारण सरकार को धारा 118 को सरल बनाए जाने की प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। लोगों के सुझाव आने के बाद ही ये तय होगा कि इसे सरल बनाया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश के हितों की अनदेखी नहीं होगी। एक तो हिमाचल का हित सर्वोपरि, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, किसी तरह की गुंजाइश नहीं। हिमाचल में रहने वालों के लिए जो जमीन है वो जमीन की रक्षा सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सरलीकरण का सिर्फ इतना विषय है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो है वो लंबित है, काम करने में उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है और मामूली से आंशिक कहीं कहीं अगर उसमें ये होगा करने का होगा उसमें, जिसके कारण हम उन प्रोजेक्ट्स को हम तेज गति से आगे कर सकते हैं। सिर्फ विषय सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा इससे कम कुछ नहीं है इसमें। इतने कब तक हो जाएगा जल्दी ये? नहीं, अभी तो हमने सुझाव मांगे हैं लोगों से, सुझाव मांगे हैं। इसका इस पर जो है वो थोड़ा विचार चल रहा है कि क्या किया जा सकता है और इसको गलत तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ज्यादा विचार कर रहे हैं इस मामले में, वो विचार ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो है जो बोलते हैं विचार नहीं करते वो, और उनसे ज्यादा हिमाचल के हितैषी हम हैं। जिन्होंने क्या क्या किया है मैं उन सारी तफसील में आऊंगा इस सेशन में विधानसभा की, उसमें बताएंगे।